बेहतर रिफ्लेक्सेस होते तो शायद ये कैच बन सकता था। प्रयास भरपूर किया विकेट कीपर ने, कैच ड्रॉप देखने को मिलता हुआ अंतिम गेंद पर। इसी के साथ पावर प्ले समाप्त होता हुआ, दो ओवर के बाद रन संख्या जा पहुंची है स्कोरबोर्ड पर 35 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। ये शुरुआत दुरुस्त है, ये शुरुआत धमाकेदार है इस मुकाबले में। टीम सामनेर के लिए टॉस जीता टीम मेगास कलेक्शन एंड मिस्टर रोल वाला ने, लेकिन अब तक अगर देखा जाए कोई चीज़ उनके पक्ष में गई नहीं है। पहली दो ओवर थोड़ी सी महंगी साबित होती हुई, यहाँ से इस मुकाबले में कमबैक करना ज़रूरी रहेगा, बल्लेबाजों को रोकना ज़रूरी रहेगा, अन्यथा ये स्कोर एक बड़े स्कोर में तब्दील होगा। पहली गेंद घुमाने का प्रयास हुआ, एकनाथ बॉलिंग मार्ग पे आए अपने कोटे का पहला ओवर, टीम के लिए तीसरा ओवर लेकर। पहले दो ओवर में अगर देखा जाए तो 35 रन बने हैं। एक और पटकी हुई गेंद थी, यहाँ पे गेंद ऊपर गई है, दो खिलाड़ियों के बीच थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन, लेकिन अंततः इस कैच को कंप्लीट किया। पहला झटका लगता हुआ एक और विकेट यहाँ पर जाता हुआ, नए बल्लेबाज किरण आते हुए बैटिंग का भार संभालने के लिए। टीम के कप्तान अब टीम की जिम्मेदारी संभालेंगे। पहला झटका इस मुकाबले में लगता हुआ, शुरुआत बहुत अच्छी रही है टीम सामनेर के लिए इस मुकाबले में अगर देखा जाए तो। इस शुरुआत को एक बड़े स्कोर में तब्दील करना अनिवार्य, क्योंकि ये उनके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण मुकाबला है इस ग्रुप डी की अगर बात की जाए तो, क्योंकि पहला मुकाबला गवाना पड़ा था और अपने आप को अगर इस टूर्नामेंट में जीवित रखना होगा तो इस मुकाबले को जीतना बहुत ज़रूरी रहेगा उनके लिए। फिर से एक अच्छी गेंद थी, एक और बार अक्रॉस द लाइन जाकर घुमाने का प्रयास जरूर, अच्छी गेंद पेश करते हुए फिर से एक डॉट बॉल। MCL मराठा क्रिकेट लीग मराठा रन संग्राम 2024 सीजन 4 आप देख रहे, आज का दूसरा दिन, दूसरे दिन का खेले जा रहा है सातवां मुकाबला आपके सामने। कदमों का इस्तेमाल करके डांसिंग डाउन द ट्रैक, बड़ा हिट खेलने की कोशिश, संपर्क उतना अच्छा था नहीं, एक और विकेट का पतन। यहाँ पर पतन होता हुआ, कप्तान किरण अपने टीम के लिए कुछ खास नहीं कर पाए और अपना विकेट खोना पड़ा। टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला, पहली दो ओवर जरूर महंगी रही थी लेकिन इस ओवर में अच्छा कमबैक देखने को मिलता हुआ। मेगास कलेक्शन एंड मिस्टर रोल वाला टीम की ओर से तीसरा ओवर परिवर्तन जरूर किया गया था और निश्चित तौर पर यहाँ पर तारीफ करनी पड़ेगी, अच्छी कैप्टनसी देखने को मिली। और विकेट का पतन होता हुआ, नए बल्लेबाज बैटिंग का भार संभालने के लिए आते हुए तुषार विशाल। स्कोरबोर्ड अभी भी वहाँ रुका हुआ, यहाँ पर पावर प्ले के बाद रुका था, 35 रन स्कोरबोर्ड पे लग चुके हैं। फिर से एक बार अगली गेंद लेकर गेंदबाजी मार्ग पे गेंदबाज तैयार, नए बल्लेबाज विशाल। यहाँ पर बल्लेबाजों को थोड़ा सा जिम्मेदारी के साथ खेलना जरूरी। ओ कमाल की गेंद थी, पड़ने के बाद वो अतिरिक्त उछाल देखने को मिली, एक तेज गेंदबाज हमेशा ही पसंद करेगा। विकेट प्लस मेडन ओवर यहाँ पे देखने को मिलता हुआ, कमाल की गेंदबाजी, इस टूर्नामेंट का पहला मेडन ओवर। और साथ ही साथ ओवर की समाप्ति, तीन ओवर के बाद रन संख्या जा पहुंची है 35 रन स्कोर बोर्ड पे। जबरदस्त ओवर देखने को मिला और बहुत ही बढ़िया कमबैक इस मुकाबले में अगर देखा जाए टीम मेगास कलेक्शन एंड मिस्टर रोल वाला की ओर से। जरूर शुरुआत उतनी बढ़िया रही नहीं थी, पहले दो ओवर थोड़े से महंगे साबित हुए लेकिन उसके बाद अच्छा कमबैक, तीन ओवर पे 30 रन स्कोर बोर्ड पे। अगला ओवर लेकर बॉलिंग मार्क पे गेंदबाजी का भार संभालते हुए
जीतू निंबाड़कर गेंदबाजी मार्ग पे, अपने कोटे का पहला ओवर टीम के लिए, चौथा ओवर लेकर चौथे ओवर में चौथे गेंदबाज का इस्तेमाल देखने को मिलता हुआ। सामने रिलेवन की अगर बात की जाए, जयेश पाटिल अब स्ट्राइकिंग एंड पर होंगे। 11 गेंदे 34 रनों की पारी, दूसरे एंड से विकेट गिरी है, लेकिन जयेश पाटिल वो अनोखा अंदाज उनका देखने को मिलता हुआ। ओवर कवर शॉर्ट आर्म जैब, गेंद 4 रनों के लिए। आया है 12 गेंदे पेश किए।